नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। हर दिन सुबह 7 बजे करते हैं हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। आज है तारीख 16 मार्च, सुबह के 7 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बढ़िया शानदार क्लास है ना। हमेशा हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जिसमें से एक बात ये है, हम ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके बाद हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम कुछ अपने आप के लिए अचीव कर पाए। जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर बनाते हैं। ये बात कितनी ज्यादा सुनी है। प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसा होता है आपके साथ। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि जब कोई किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे। ये होते हैं वो लोग जो जीत के लिए एक अवसर की तलाश करते हैं। दूसरे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, 3 महीने लगातार पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं सारे के सारे एग्जाम दूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन मैं फिर तैयारी आगे की बढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत के 2-3 महीने लगातार मैं वो पढ़ूं जो कॉमन सिलेबस है, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए जो हर किसी में काम आएगा, पहले मैं वो पढ़ूंगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक और फाउंडेशन। ये अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों, आप ये नोटिफिकेशन इंतजार करने वाले लोगों में से हैं या 3 महीने से तैयारी करने वाले लोगों में से हैं। क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये जीत के अवसर खुद बना रहे हैं, खुद अपने आप को इतना मजबूत कर दे रहे हैं कि यार एग्जाम जब आएगा तब तक के लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं। और दोस्तों बस यही आपको करना है, जिस दिन आप ऐसा करने लग गए समझ लो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है, बड़ा जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसी पॉजिटिव स्पिरिट से करते हैं दोस्तों शुरुआत। आज है तारीख 16 मार्च, आज का वो दिन है जब स्टार्ट होने वाला है बैंकर बैच 2.0। आज दोस्तों हम बैंकर बैच 2.0 में आएंगे। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर 2.0 में अभी एनरोल नहीं किया है, ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पर हो, तो आप दोस्तों एनरोल कर लेना, ठीक है? तो आप सभी दोस्तों एनरोल कर लेना, बस अपने आप से आगे बढ़ते रहना, ठीक है? हाँ जी, आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, पढ़ते जाते हैं। आज मैं आपको कुछ कुछ और ऐसी नई चीजें दूंगा जिस उस सेशन में आप सभी के लिए 2500 यानी कि 2500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट प्राइस भी रखा हुआ है। एक टेस्ट लूंगा, वो टेस्ट होगा आप अभी पिछले 7 दिनों से जो मुझसे पढ़ते आ रहे हैं, जो लोग मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं, सभी का एक साथ टेस्ट होगा। फिर पोलिंग सिस्टम में टेस्ट होगा, तो यूट्यूब पर पोलिंग तो होता नहीं, वो अनअकैडमी स्पेशल पे होगा। और उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपका क्या रैंक वहां पर आई है, ठीक है? ओके, चलिए आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल है ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स, यानी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग कमोडिटी के, कितना कितना क्या क्या डेटा आया, पूरा डेटा को लेकर ये आर्टिकल है, पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्पोर्ट्स को लेकर है, इंडिया की पोजीशन को लेकर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको मालूम है हाल ही में इंडिया की एक मिसाइल थी और मिस्टेकिंगली क्या हुआ, गलत हैंडल करने की वजह से वो पाकिस्तान लैंड कर गई, जिसकी वजह से क्या है कि झगड़ा तो नहीं हुआ, चीज़ें थोड़ी स्टेबल रहीं, लेकिन फिर भी इंडिया ने इंक्वायरी बैठाई है। डिटेल डिस्कशन करेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही आर्टिकल है। अगला दिया है दोस्तों कि यहाँ पर इंडिया का जो पोजीशन थी पहले, जब रशिया ना कंप्लीट यूएसएसआर हुआ करता था, उसके बाद ये 15 नेशंस में बदला, तब इंडिया की कैसी डिप्लोमेसी रही उन 15 अलग अलग देशों के साथ, इस तरीके की कंडीशन दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, पढ़ेंगे, कुछ नया नया पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। यहाँ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रेस्पॉन्स है अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको लेकर, उस रेस्पॉन्स न्यूट्रल रेस्पॉन्स की वजह से ये अब नुकसान जो है पाकिस्तान को ही हो रहा है। आपने पढ़ा था ना कुछ दिनों पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 से 15 दिन पहले ही पाकिस्तान में एक जगह सुइसाइड बॉम्बर था जो कि तालिबान की तरफ से ही था, आईएस ने उसका हमला करवाया हुआ था, आईएस के जो है ना। तो ऐसी कंडीशन पाकिस्तान में हो रखी है जो कि डेफिनेटली खराब है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल में डिस्कशन वैसा है, हम पढ़ेंगे।
अगला आर्टिकल दोस्तों ये है यूक्रेन की क्राइसिस को लेकर। फिर से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर एक कंट्री बराबर है, लेकिन कुछ कंट्री बराबर से ऊपर है। क्या कहना चाह रहे हैं हम इसे सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी की वोकैबुलरी में नोट कराता हूं। मेरे साथ साथ वोकैबुलरी नोट करें एवरीवन, आ जाओ। पहला वर्ड है दोस्तों आपके लिए LOG, लॉग। वर्ब की तरह यूज होता है। लॉग का मतलब है मेक अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स। कई इवेंट्स के ऑब्जर्वेशंस का और मेजरमेंट्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग रखना, ये आपका लॉग कहलाता है। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों स्पर्ट, SPURT, स्पर्ट। ये वर्ब की तरह यूज हुआ, जिसका मतलब है गश आउट इन अ सडन एंड फोर्सफुल स्ट्रीम। किसी सडन या फोर्सफुल तरीके से किसी को धक्का देना या कोई चीज बढ़ा देना या फट के सामने आना, वो आपका स्पर्ट कहलाता है। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है। अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का बेसिकली मतलब होता है किसी भी जगह की लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, उसकी उन बाउंड्रीज और लिमिट को बताने के लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड। हमने लिखा द लेवल एट विच वन स्टार्ट्स टू फील और रिएक्ट टू समथिंग। एक ऐसा लेवल जब कोई व्यक्ति कुछ फील करना शुरू कर देता है, कुछ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ रेडिएशन एंड और अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है रेडिएशन का या कंसंट्रेशन के लिए, आई आर कंसिडर टू बी एक्सेप्टेबल और सेफ, जिसको माना जाए कि यहाँ तक तो सेफ है, उसके आगे होगा तो फिर सेफ नहीं होगा। कहने का मतलब वो भी लिमिट को बताता है, एक तरीके की सीमा को बताता है। ये आपका थ्रेशोल्ड यूज हुआ नाउन की तरह। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों हिंटरलैंड, अ वेरी कॉमन वर्ड। ऐसी लैंड जो कि मेन जगह से काफी दूर दराज वाले एरिया को बताती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों हिंटरलैंड। इनको हमने लिखा द रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट और द बैंक्स ऑफ मेजर रिवर्स। मेजर रिवर्स या फिर जो कोस्ट है, समुद्र के किनारे हैं, उनसे काफी दूर दराज के जो इलाके होते हैं, उन आंतरिक इलाकों को हम कहते हैं हिंटरलैंड। आंतरिक इलाके हमने यहाँ पर लिखा, नाउन की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेशन। वर्ड के लास्ट में ION दिया हो तो नाउन की तरह यूज होता है। प्रोग्नोस्टिकेशन भी ऐसा ही है, जिसका मतलब है द एक्शन ऑफ प्रोफेसाइंग फ्यूचर इवेंट्स। प्रोफेसी का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। प्रोग्नोस्टिकेशन भी यही हो गया, प्रिडिक्शन करके बताना फ्यूचर में क्या हो सकता है, पूर्व सूचना देना, दैट इज प्रोग्नोस्टिकेशन। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्ट वर्ब है, वर्ब में लगा ING, बना प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कॉजिंग वन टू फील अनसेटल्ड और अननर्विंग। कोई भी व्यक्ति को अनसेटल फील कराना, अननर्व फील कराना, निराशाजनक फील कराना, ये आपका डिसकंसर्टिंग हो गया, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है, निराशाजनक हिंदी में लिख दिया। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों प्रीसेज। वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है एक साइन या फिर एक वार्निंग होना किसकी, कि कुछ इमीडिएट घटना होने वाली है, कोई इमीडिएट इवेंट होने वाला है। टिपिकली कोई अनवेलकम वन है, यानी कुछ खराब होने वाला है, ऐसा कोई संकेत आना, उसको हम प्रीसेज कहते हैं। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है आपके लिए दैट इज सेंग्विन। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सेंग्विन का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, पॉजिटिव होना, स्पेशली इन एन अपारेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। खराब और डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फिर भी आशावादी रह रहे हैं, होपफुल रह रहे हैं, ऐसा होना आपका सेंग्विन कहलाता है। एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखना है। अगला वर्ड है पर्टिनेंटली। देखो LY लिखा है पर्टिनेंट आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में LY लगा बना एडवर्ब बन गया। हैविंग अ क्लियर डिसाइसिव रेलेवेंस टू द मैटर इन हैंड। आप एकदम से किसी चीज के बारे में क्लियर तरीके से प्रकट रूप से आप बता रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पर्टिनेंटली। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें, ये है आपकी फर्स्ट स्लाइड, एवरीबडी टेक दी स्क्रीनशॉट, है ना, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आइए, अगला वर्ड है इम्पोंडरेबल। वर्ड के लास्ट में BLE है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा।
पॉन्डरेबल का मतलब जिस चीज को आप समझ सकते हैं, जिसकी कल्पना की जा सकती है, दैट इज पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, हमने कहा ए फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस। कोई एक फैक्टर जो हम माने कि जो कि मुश्किल है या फिर जिसको एस्टिमेट करना या एसेस करना इम्पॉसिबल है, उससे हम कहते हैं वो चीज़ आपकी इम्पॉन्डरेबल है। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है दोस्तों, इसको याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों रिटेलिएट। रिटेलिएट है वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक। बदला लेना किसी से, दैट इज रिटेलिएट करना, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है रिटेलिएट। याद रखना है, प्रतिकार करना हिंदी में लिख दिया। अगला वर्ड है दोस्तों एप्ट। एप्ट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अप्रोप्रिएट को ही शॉर्ट में हम एप्ट कहते हैं। हमने लिखा अप्रोप्रिएट है अगर कोई चीज या सूटेबल है इन दिस सर्कमस्टांसेस, तो हमने कहा वो उपयुक्त है। एप्ट हमने लिख दिया, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए मैन्यूवर। मैन्यूवर नाउन की तरह यूज हुआ है, विच मीन्स ए मूवमेंट या फिर सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। आपने कोई एक मूवमेंट की बात करी जहां पर काफी सारे स्किल्स की जरूरत होती है, केयरफुल होने की जरूरत होती है, ऐसे पैतरों को बोलते हैं हम मैन्यूवर। हिंदी में जिसे बोलते हैं पैतरा, कोई भी, दैट इज मैन्यूवर। नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखिएगा। अगला वर्ड है इम्प्लीसिटली। इम्प्लीसिट आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है कोई भी चीज जिसको आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, वो आपका इम्प्लीसिट है। एलवाई लगा, इम्प्लीसिटली हो गया। हमने लिखा इन अ वे दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, एक वो तरीका जिससे आप किसी चीज को डायरेक्टली नहीं एक्सप्रेस करते हैं। टेसिटली है कोई चीज, उसे हम कहते हैं दैट इज इम्प्लीसिटली। एडवर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है। ओके, अगला वर्ड है रिसर्जेंस। वर्ड के लास्ट में एनसी होगा, नाउन की तरह यूज होगा। रिसर्जेंस भी ऐसा है, हमने कहा एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी। थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, उसके बाद कुछ इंक्रीज हो जाए, कुछ रिवाइवल हो जाए, पॉपुलैरिटी या कोई अकरेंस हुआ, उसके बाद फिर से कुछ रिवाइवल हो जाए, उसे हम बोलते हैं रीसर्जेंस होना। नाउन की तरह यूज होता है, इसे ध्यान रखना है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों रिकन्वीन। ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग कर लेना, बुला लेना लोगों को, इकट्ठा करना। रिकन्वीन मतलब फिर से इकट्ठा करना मीटिंग के लिए। हमने लिखा कन्वीन और कॉज टू कन्वीन अगेन, स्पेशली आफ्टर अ पॉज इन प्रोसीडिंग्स। कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई एक्शन चल रहे हैं, एक पॉज के बाद फिर से बुला लेना, फिर से इकट्ठा करना, आपका रिकन्वीन कहलाता है। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए प्रॉड। प्रॉड आपका वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स स्टिमुलेट और परसूड समवन हु इज रिलक्टेंट और स्लो टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को एनकरेज करना जो कि कोई काम नहीं करना चाहता, उससे वो काम करवा लेना, ये आपका प्रॉड कहलाता है। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। अगला वर्ड है दोस्तों रीबाउंड। रीबाउंड वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स बाउंस बैक थ्रू दी एयर आफ्टर हिटिंग समथिंग हार्ड। किसी चीज पर हार्ड हिट करने के बाद बाउंस बैक होना, यह आपका रीबाउंड कहलाता है। प्रतिक्षेप हिंदी में लिख दिया, ऐसे करके दोस्तों इसे याद रखिएगा। आखिरी वर्ड है स्लाइड का, दैट इज ब्रीव। वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स कोई एक अनवेलकम इवेंट या सिचुएशन बिगिन टू डेवलप, वो अगर डेवलप होने लग जाए, कुछ खराब चीज जो नहीं होनी चाहिए वैसा होने लग जाए, उसे हम कहते हैं ब्रू। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये है आपकी सेकेंड स्लाइड, सभी लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? ओके, डन हो गया, परफेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 3। सब्सक्रिप्शन ले लिया है आपकी क्लास कब है? सब्सक्रिप्शन लेकर मेरी क्लास में आना है, तो मेरी क्लास में मेरी प्रोफाइल में आओ, है ना? मेरी प्रोफाइल में आओ। आज 16 मार्च है, दोपहर 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, बैंकर बैच 2.0। सारे के सारे लोग उसमें आना, जो क्लास स्टार्ट होने वाली, दैट इज द क्लास फॉर ऑल अपकमिंग बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स, दोपहर 12 बजे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है दोस्तों इन्फ्यूज, वर्ब की तरह यूज होता है। इन्फ्यूज का मतलब है किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है वो दे देना, आपको अपने किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को कुछ दे दिया, कुछ भर दिया कहीं, उसे हम कहते हैं इन्फ्यूज करना। ओके, हमने लिखा फिल और परवेड या फिर इंस्टिल अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति में या किसी चीज में कुछ क्वालिटी है वो फिल करना, इन्फ्यूज करना कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों रेव अप। रेव अप का मतलब टू बिकम मोर एक्टिव और मोर इफेक्टिव, और ज्यादा एक्टिव और इफेक्टिव हो जाना रेव अप कहलाता है दोस्तों, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्लिप, ये आपका नाउन की तरह यूज हुआ, विच मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड माइनर एंड टिपिकली टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड, जो एक जनरल ट्रेंड है उससे क्या है एक डेविएशन हो जाना, भटक जाना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों ब्लिप, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है आपके लिए इन्फ्लिक्ट, ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स कॉज समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग। आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अनप्लीजेंट और पेनफुल कोई चीज अगर हो रही है उससे सफर किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो इन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर वो उससे सफर कर रहा है तो यानी कि वो उससे इन्फ्लिक्ट हो रहा है। आखिरी वर्ड है दोस्तों स्ट्रीक, नाउन की तरह यूज होता है, विच मीन्स एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवंस कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर में एक स्पेसिफिक तरीके का एलिमेंट, स्पेसिफिक तरीके का कोई गुण होना, एक कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ स्पेसिफिक सक्सेस और लक, एक स्पेसिफाइड सक्सेस और लक का लगातार एक समय होना, उसको हम कहते हैं स्ट्रीक, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है। ये है थर्ड स्लाइड, तीन स्लाइड हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अब हम रीडिंग पर आएंगे। तीन स्लाइड हो गई दोस्तों, अच्छे से समझ में आया मुझे बताएं, यस सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है, और बढ़िया मजेदार, अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर दो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों के थम्स अप, आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक्स, सबके थम्स अप पर वेट कर रहा हूं, सभी लोग एक बार थम्स अप पर प्रेस कर दो, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे, है ना। ओके, देखिए दोस्तों आज के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं, वो है आज की स्पेशल क्लासेस। आज की स्पेशल क्लासेस में फायदा सबसे ज्यादा किनको होगा, जो आज आएगा, रेगुलर आप पढ़ते हो, है ना। आज आपको फायदा कैसे दोस्तों, आज मैं आपके दो टेस्ट कराऊंगा। पहला टेस्ट सुबह 10 बजे होगा, आरबीआई असिस्टेंट 2022 का जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए एक टेस्ट लूंगा मैं सुबह 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। दूसरा टेस्ट दोस्तों लूंगा मैं शाम के 4 बजे, जिसका नाम है बैंकर बैच प्रैक्टिस सेशन 2022। ये प्रैक्टिस सेशन है लेकिन आज इसमें भी टेस्ट होगा, होगा टेस्ट नंबर 2। और जो ये शाम को टेस्ट होगा ना 4 PM पर, जो टेस्ट होगा ना 4 PM के टेस्ट में आपको 2500 रुपए के गिफ्ट्स दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जो कि टेस्ट में स्कोर करेंगे और टॉप 5 में आएंगे। कौन आएगा? टॉप 5 में आएगा, उनको ये उपहार, उनको ये गिफ्ट वाउचर 500 रुपए पर कैंडिडेट मिलेगा, अमेजोन वाउचर होगा जिससे आप खरीद सकते हो अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी गैजेट, जैसे कि आपको जरूरत है माउस की, आपको जरूरत है कीबोर्ड की, आपको जरूरत है ओटीजी केबल की, आपको किसी भी ऐसी चीज की जरूरत है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए ये बढ़िया है कि नहीं। और इसका डिसाइड कैसे होगा? जो रेगुलरली मैं पढ़ाता हूं उसको पढ़ेगा। आज जो 10 बजे क्लास होगी इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ही मैं आपका टेस्ट लूंगा शाम को 4 बजे, टेस्ट दोनों में होगा। बताइए रेडी है कि नहीं? ये आपके लिए, इट इज फॉर यू ऑल, कोई ये मत समझना कि हम पीछे, एक छोटा कंपटीशन आप सभी लोगों में है, एक बार अपनी ताकत लाकर अपने आप को चेक करना है, ठीक है। अब सुनो इन क्लासेस में कैसे आया जाएगा, वेरी सिंपल स्टेप, मैं आपको सिंपल स्टेप बता देता हूं। क्लास में कैसे आओगे आप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, इंस्टॉल करना, गोल चूज करेंगे आप बैंक एग्जाम, ये मेरी प्रोफाइल में मिलेंगी दोनों क्लासेस आपके। अगर ना मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, ठीक है, मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना, प्लस है ना, ऐसे लिखा होगा स्पेशल, स्क्रोल डाउन करोगे स्पेशल लिखा होगा, स्पेशल पे टैप करना आपको क्लास मिल जाएगी। क्लास को ओपन करना, इस कोड को लगाना, AVP10, क्लास ओपन हो जाएगी, बस क्लास ओपन हो जाएगी, उनको एनरोल कर लेना, ठीक है। एक 10 बजे मिलेंगे दोस्तों और एक मिलेंगे हम शाम के 4 बजे, तो बढ़िया तरीके से दोनों का फायदा उठाओ, फर्स्ट क्लास, अच्छा है ना।
बढ़िया इसका फायदा उठाइए। आइए रीडिंग करते हैं। बढ़िया लगा तो मुझे एक बार आप सब लोग लाइक बटन पर प्रेस करके बताओ, यस सर बढ़िया लग गया। और मैं तो चाहता हूं आप सब लोग इसकी पूरी ताकत लगाओ, और जितने लोगों से ताकत लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। एक छोटा कंपटीशन यहां भी है ना, एग्जाम से पहले का कंपटीशन है। चलो ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स इसको पढ़ते हैं, बढ़ता हुआ प्राइस का प्रेशर। जो पॉलिसी मेकर्स हैं कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं नीड टू टेम इन्फ्लेशन, इन्हें इन्फ्लेशन को टेम यानी उसे कट करने की जरूरत है, या फिर क्या हो जाएगा, ये रिस्क में इसे डाल देंगे, अंडरमाइनिंग द ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी, जिससे दे सीक सपोर्ट, जिसके लिए वो सपोर्ट चाहते हैं। वो कौन? पॉलिसी मेकर्स। पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है कॉन्टिन्यूज ऑन अ वरिंग अप ट्रेंड, वो चिंता भरे रूप से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग एक्सिलरेटिंग टू एन 8 month हाई, जो कि पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है, वो 6.07% है। लास्ट मंथ का डेटा ही हमारे सामने। इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो आकी जाती है, कहा जाता है कि महंगाई ना हर साल जो बढ़ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, वो 4% के आसपास बढ़े तब तो ठीक है, 4 से कम बढ़ रही है तो नुकसान हो जाता है क्योंकि उससे वैल्यू कम हो जाती है। और अगर 4 से ज्यादा बढ़ रही है तो मैक्स टू मैक्स अगर बढ़ती है तो 6 बढ़े, इससे ऊपर नहीं बढ़े, लेकिन ये 6 से ऊपर चल रही है, तो ये चिंता वाली बात है, लगातार ये चलती चली जा रही है। वाइल होलसेल प्राइस जो है लॉग्ड अ डबल डिजिट इंक्रीज, उसमें तो डबल डिजिट इंक्रीज हो रही है 13% के आसपास फॉर दी 11th स्टेट मंथ में। फरवरी की हेडलाइन है WPI इन्फ्लेशन की, वो हुई है 13.11%। रिटेल इन्फ्लेशन जो है, रिटेल में जो महंगाई है, रिमेन स्टक अबव RBI अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6%, वो भी 6% से ऊपर चल रही है फॉर द 2nd month। एज फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्विकन टू 5.85%, जो फूड प्राइस है वो 5.85% की दर से ये बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो हर जगह चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हाउस होल्ड इन दी हिंटरलैंड बोर आ बिगर ब्रंट ऑफ दी बर्डन, जो लोग या जो घर ऐसी जगह है जो दूर दराज के एरिया में, गांव के एरिया में, उनको और ज्यादा ये बर्डन है जो कि फेस करना पड़ रहा है। एज प्राइस गेन्स मेजर्ड बाई दी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एरियाज, क्योंकि वो भी बढ़ गया है बाई 69 बेसिस पॉइंट्स। 69 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.69% और बढ़ गया है पहले जनवरी के लेवल से, जो कि 5.87% तक पहुंच चुका है। तो चाहे शहर में कोई व्यक्ति रह रहा हो वहां भी महंगाई बढ़ गई है, और चाहे गांव में कोई व्यक्ति रह रहा हो वहां भी महंगाई बढ़ गई है। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा आप सभी लोग, आप जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाते हैं, आपने पिछले 4 या 5 महीनों में क्या बदलाव देखा, किन किन चीजों में महंगाई बढ़ गई? एक छोटे से एग्जाम्पल देना, सब्जी में महंगाई बढ़ी है क्या? जो दूध आप लेते हो उसमें महंगाई बढ़ी है क्या? जो आप घी तेल लेते हो उसमें महंगाई बढ़ी है क्या? जो आप चावल आटा लेते हो उसमें महंगाई बढ़ी है क्या? आप जरा मुझे अपना ये बेसिक ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस मुझे बताओ, चाहे आप गांव में रहते हो दोस्तों, चाहे आप शहर में रहते हो, सभी लोग बताना। प्राइस गेन्स इन दी की प्रोटीन सोर्स, जो की प्रोटीन सोर्स है उनमें भी प्राइस गेन्स हुआ, जैसे कि मीट में, फिश में, जम्प्ड बाय ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट, यानी 2% तक बढ़ गया है फ्रॉम दी प्रोसीडिंग मंथ्स टू 7.45% हो गया। वाइल न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स जो हैं ऑल्सो लॉग्ड इन्फ्लेशन, उनमें भी प्राइस बढ़ गया, जो हरी सब्जियां हैं जिसमें प्रोटीन होता है 6.13% फेब्रवरी में इतना बढ़ गया। बिलाइंग दी सेंट्रल बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशन लास्ट मंथ ऑन एन एक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइजेस, इससे तो ये चीज बिल्कुल झूठी हो गई कि जो कि अभी RBI ने फेब्रवरी के मंथ में ये प्रेडिक्ट किया था कि जो वेजिटेबल प्राइजेस है वो कम हो जाएंगे ऑन फ्रेश विंटर क्रॉप अराइवल के आने से, बट ऐसा नहीं हुआ है। फूड ऑयल बढ़ गया है, सब कुछ ऑयल है, अनएक्सपेक्टेड है, शुगर बढ़ गई है, मिर्च का दाम बढ़ गए हैं, नॉन वेज में सब बढ़ गया है, हाँ यही चीज बढ़ गई है डेफिनेटली दोस्तों। एंड इवन दो इन्फ्लेशन जो ऑयल्स और फैट्स में है ईज हो जाएगा बाय मोर देन 220 बेसिस पॉइंट्स टू 16.44% हो गए, तो ज्यादा यही बढ़ा है ऑयल और फैट वाली चीजें, देख रहे हो 16.44%। देर इज लिटिल रूम फॉर चीयर, तो कह रहे हैं खुश होने का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अपने पास मार्जिन बचा नहीं है। गिवन दैट वन कैन एक्सपेक्ट अ स्पाइक अगेन
फिर से स्पाइक हो सकती है ऐसी सिचुएशन देखते हुए दिस मंथ इन द वेक ऑफ एब्रप्ट डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल्स फ्रॉम द वार टॉर्न यूक्रेन। यूक्रेन में वॉर हो गई, इस चक्कर में अब फिर से हमें देखने को मिल सकता है कि कहीं ऐसा ना हो इस महीने अब इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाए, प्राइस गेन्स फिर से बढ़ जाए। विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट सोर्स है यूक्रेन, जिसकी वजह से हो सकता है इंपोर्टेड इंटू इंडिया। यूक्रेन से जो आता है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, रशिया से जो आता है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और दिक्कत आएगी हमें यहां पर, है ना। ओके, विद प्राइस गेन्स इन क्लोथिंग एंड फुटवियर, अब जो प्राइस की बढ़ोतरी कपड़ों में हुई है, फुटवियर में हुई है, फ्यूल और लाइट में हुई है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में हुई है, ऑल रनिंग वेल अबव 8% लेवल। आप समझो सारे के सारे में जो महंगाई है 8% से ज्यादा चल रही है इन सभी में। द ओवरऑल ट्रेंड इन रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कंजम्पशन कैटेगरीज एंड डिसकंसर्टिंगली वे अबव टॉलरेंस लेवल्स। ये सब अब टॉलरेंस लेवल से ऊपर चल रहा है। दुख वाली बात ये कि यार टॉलरेंस लेवल सिर्फ 6% है, 6% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो 8%, अब वहां देख रहे हो 16%, हर जगह 6% से ऊपर, 7% से ऊपर, ये सब कुछ बढ़ रहा है, जो कि अभी यार दोस्तों नुकसान वाली बात है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है खूब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है या एक मिडिल क्लास फैमिली का एक व्यक्ति है, उसको काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड इनकम आती है और उसके पास खर्चे होते हैं उस इनकम के अकॉर्डिंगली। अब जब वो खर्चे और बढ़ जाएंगे तो उसकी लिमिटेड इनकम में जो सेविंग्स से और कम हो जाती हैं, उसको दिक्कत ज्यादा होती है। ऐसे में फैमिलीज क्या करती हैं, वो अपनी जरूरत की, जो ज्यादा जरूरत की चीजें उनको तो वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जरूरत को लगता है यार इससे बिना काम चल जाएगा वो फिर उसको छोड़ देती हैं। ऐसा फिर होता है हर किसी के साथ में। तो पढ़ते हैं, विद द पंप प्राइजेस ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के बढ़ते हुए जो प्राइजेस हैं, येट टू रिफ्लेक्ट द रिसेंट अपसर्ज, उसमें अभी भी बाकी है कि रिसेंट में अब क्या अपसर्ज आएगा इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ द सदर्न वेस्ट नेबर। रशिया ने जब से इन्वेजन किया है यूक्रेन पर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन इज सर्टेन टू क्लाइम, ये भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन और कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन ये भी बढ़ेगा शार्पली वंस स्टेट रन रिफाइनर्स रीसेट प्राइजेस, जब एक बार स्टेट रन रिफाइनर्स अपने प्राइजेस को रीसेट करेंगे टू रिफ्लेक्ट क्रूड कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करने में। अभी इसके भी दाम पता नहीं है लेकिन बढ़ेंगे। प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट हैड ऑलरेडी राइजन, ये पहले ही बढ़ चुकी है $20 पर बैरल सिंस दिसंबर टू $94.07 हो चुकी है लास्ट मंथ, विद ग्लोबल क्रूड प्राइजेस करेंटली अनचार्टेड टेरिटरी ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर, द रूपी हैविंग वीकन, एक तरह रूपी थोड़ा कमजोर भी हो गया है बाय अबाउट 2.5% अगेंस्ट द डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, सो इट इज हार्ड टू सी एनी नियर टर्म रिलीफ, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई रिलीफ मिल पाएगी जल्दी में ही ऑन द फ्यूल प्राइस फ्रंट में। फ्यूल में देखो बढ़ोतरी होगी अगेन, जो कॉमोडिटी के प्राइसेस अभी हमारे पास में वो फिर से बढ़ जाएंगे, खाने पीने की चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गए। आज जो फ्यूल हम लोग अपने मोटरसाइकिल से लेकर कार में डलवाते हैं उन फ्यूल में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जो डीजल है जिससे सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, वो ढोया जाता है, उन सामान पर इम्पैक्ट जरूर बड़े लेवल पे आ जाता है, तो वो फिर से आने के चांसेस हैं ऐसे पहले से बता रहे हैं। बात को समझ में आ रही है जरा मेरे को, आप बताओ। यस सर, समझ आ रही है। The glance at last month's producer prices, अब ये थोड़ा नजर डाल रहे हैं लास्ट महीने जो प्रोड्यूसर थे उनके जो प्राइजेस थे ऑफ द एनर्जी बास्केट, वो ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड पावर कैटेगरी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन था वो 31.5% था, 31.5% बहुत हो गया, एंड इन अ साइन दैट मैन्युफैक्चरर्स आर नो लॉन्गर एबल टू कीप एब्जॉर्बिंग कॉस्ट प्रेशर्स, और एक संकेत ये भी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉस्ट प्रेशर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे लंबे समय तक। इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सेलरेटेड टू 9.84%, प्रीसेजिंग मोर पेन फॉर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर के लिए ज्यादा पेन इससे क्रिएट हो रहा है। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर मिशेल डी पात्रा हैड लास्ट वीक साइटेड, उन्होंने कहा जो हेडरूम अवेलेबल है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि कितना अभी और गैप है गवर्नमेंट उसको और कम कर सकते कि चलो ठीक है हम टैक्स हटा दे रहे हैं, हम इतने कम में काम चला लेंगे,
तो कितना मार्जिन है अभी टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल्स एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। बस वही मात्र एक सोर्स ऑफ कंफर्ट है जिससे कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उस इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को बेसिकली हल्का किया जा सकता है, ईज किया जा सकता है। विद द आरबीआईज लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये दिखाते हुए शोइंग मोस्ट हाउस होल्ड जो है रिपोर्टिंग फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल्स एंड रिमेनिंग फार फ्रॉम सेंग्विन ऑन द प्राइजेस आउटलुक। प्राइस कितने बढ़ रहे हैं, ज्यादातर हाउस होल्ड तो अपने उस पर पैसे खर्च कर ही रहे हैं क्योंकि वो उनकी एसेंशियल्स की चीजें हैं। पॉलिसी मेकर्स नीड टू एक्ट एक्सपीडिशियसली, पॉलिसी मेकर्स को बहुत तेजी से काम करना होगा टू टेम इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, अदरवाइज क्या होगा रिस्क में डाल देंगे, अंडरमाइनिंग वेरी ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो अंडरमाइन हो जाएगी। दे आर करंटली फोकस ऑन सपोर्टिंग, जिस पर अभी ये फोकस कर रहे हैं सपोर्ट करने का, उसमें दोस्तों फिर ये रिस्क में पड़ जाएगा, ये कहने का इनका मतलब है। समझ जाए, समझ गए तो मुझे बोले यस सर समझ गए, ये क्या कह रहा है। डन, दिस इज द आर्टिकल कंप्लीटली रिलेटेड टू योर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वाला आर्टिकल है, सबको समझ में आया। ऐसे आर्टिकल यूजुअली बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आते, कहते सर परेशान हो जाते हैं पढ़ने में। इट इज ईजी एंड एवरीबडी गॉट इट, मुझे बोले यस सर हमें समझ में आया सर, एक बार जरा थम्सअप देकर मुझे जरूर बताएं। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल पर। 511 लोगों ने थम्सअप दिया है, कितनी अच्छा सेशन सीखा हम लोगों ने, बाकी सारे लोग भी अच्छा लगा लाइक बटन में प्रेस कर दो और आज की स्पेशल क्लास पे आ जाना, 10 बजे वाली और 4 बजे वाली कंपटीशन होगा, अपने आप को चेक करना है, ठीक है आ जाओ। अगला आर्टिकल पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर थोड़ा इसके बारे में समझाता हूं मैं आपको, क्या दे रहा है क्या बोला हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, ए मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। मिस फायरिंग होना और पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के बारे में बताना, क्या हुआ इंडिया की जो मिसाइल थी वो कहाँ पहुंच गई, पाकिस्तान में, इंडिया में, उसको एक तरीके से उस पर ना चेक किया जा रहा था, वो मिसाइल कैसे चल रही कैसे नहीं, रेगुलर मेंटेनेंस जो होता है वो चल रहा था, और उसमें मिस हैंडलिंग हुई फ्लाई, और वो मिस हैंडलिंग होने में वो पहुंच गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से फिर आया कि भाई कंसर्न आया है, इंडिया ने खुद ही पहले कह दिया कि बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है और हम इस पर इंक्वायरी बैठाते हैं और चेक करते हैं किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा कि आप चेक करो, लेकिन इसमें बायलिटरल प्रोब होनी चाहिए, याद है ये आर्टिकल पूरा, पाकिस्तान ने कहा बायलिटरल प्रोब होनी चाहिए। अब बायलिटरल प्रोब को समझते हैं क्या है। इंडियाज मिसाइल इंसिडेंट जो हैज अंडरलाइन दी सॉरी स्टेट, सॉरी स्टेट का मतलब दुख भरी सिचुएशन बताई है ऑफ बायलिटरल मैकेनिज्म्स की इट हैज विद पाकिस्तान फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। दी एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ एन इंडियन मिसाइल, एक्सीडेंटल फायरिंग ही हो गई थी इंडियन मिसाइल की इनटू पाकिस्तान ऑन मार्च 9 को कॉल्स फॉर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। अब ये एक रिक्वायरमेंट बनाता है भैया सीरियस इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए बाय द टू न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज के बीच में, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर आर्म है और पाकिस्तान के पास भी। अबाउट द पेरिल्स ऑफ लिविंग अंडर दी, क्योंकि खतरे हैं जो रह रहे हैं अंडर दी शेडो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कोई गुस्सा आ गया तो एक दूसरे के ऊपर चला दिए तो बर्बाद हो जाएगा। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ऑल्सो कास्ट अ शेडो ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टोरेज, वो ये बताता है क्या स्टैंडर्ड है स्टोरेज का, मेंटेनेंस का, हैंडलिंग का, इवन इंजीनियरिंग का ऑफ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स इन इंडिया। यानी ये तो नेगेटिव चीज को बताता है इंडिया की कि आप तो अच्छे से ध्यान ही नहीं रख पाए, बट लेकिन मोर पर्टिनेंटली क्या जरूरत है, द इंसिडेंट हाईलाइट्स द सॉरी स्टेट ऑफ बायलेटरल मैकेनिज्म फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियर एडवर्सरीज वेयर देर इज अ मिसाइल फ्लाइट टाइम ऑफ बेयरली फ्यू मिनट्स, क्योंकि अगर आप मिसाइल फ्लाइट टाइम की बात करो तो कुछ ही मिनट में एक देश से दूसरे देश इजीली पहुंच सकती है। तो हमने देखा मैच्योर रेस्पॉन्सेस, हालांकि मैच्योर रेस्पॉन्सेस ही दिखाया गया, ये अच्छी बात है पाकिस्तान की तरफ से भी। द पाकिस्तानी रेस्पॉन्स टू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ द मिसाइल वॉज अ बैलेंस्ड वन स्पेशली वेन हैंडल्ड बाई पाकिस्तान आर्मी ऑन मार्च 11। वाइल न्यू डेली मेंटेन अ साइलेंस ओवर द इशू, कोई ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है इंडिया की तरफ से, साइलेंस मेंटेन करके रखी अंटिल इट वॉज ब्रॉट अप ऑन मार्च 11, जब तक कि 11 मार्च नहीं आ गया, 9 मार्च से 11 मार्च। द इंडियन रिस्पॉन्स जो था वॉज ऑल्सो फार फ्रॉम डिनायल, वो डिनायल से काफी दूर था कि मना नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान डिड नॉट एलिज, पाकिस्तान ने आरोप नहीं लगाया दैट इट वॉज डन इंटेंशनली बाई इंडिया,
ये आरोप नहीं लगाया एंड द इंडियन साइड ओन्ड अप द मिस्टेक, इंडिया ने, इंडियन साइड ने अपनी मिस्टेक को ओन अप किया है एंड ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, माना है और इंक्वायरी दिए कि भैया ये नो इंक्वायरी, है ना, समझ गए मुझे बोलेंगे यस सर समझ गए डन, चलो समझ गए बोले यस सर समझ गए डन। चलो ठीक है, आप लोग कमेंट देख रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा आप ज़्यादा 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 कमेंट मत करो, मैं समझ गया मैं क्या चल रहा है, सुधर जाओ, तुम लोग की कमेंट हर कोई देख रहा है, ये सेव हो जाते हैं जो लिख रहे हो ना तुम लोग, सब सेव हो जाते हैं, देख लिया हो तो पकड़ लिया किसी दिन, सुधर जाओ, ये आर्टिकल है बस रीडिंग करो बस खत्म हो गई बात, समझ गए, अभी आगे आपको रीडिंग करना है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आ जाओ कुलदीप, सुधर जाओ बेटा, हाँ सुधर जाओ, ना लिखो कुछ भी, भरतनाट्यम पढ़ाई से रिलेटेड बात है क्या करो, भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी, देखो क्या ये बात कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं इंडिया की डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे जब रशिया यूएसएसआर था, है ना, यूएसएसआर था तब, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर, फिर डिवाइड हो गया 15 नेशंस में, है ना, ऐसे करके देखो, इंडिया स्टैंड इन यूनाइटेड नेशंस ऑन द यूक्रेन वॉर, इंडिया का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन वॉर को लेकर इज एन एप्ट मूवमेंट, एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट है टू रिफ्लेक्ट ऑन द मच नीडेड दीक्षित प्रिंसिपल, कि हमें जरूरत है दीक्षित प्रिंसिपल की, क्या है दीक्षित प्रिंसिपल, दीक्षित प्रिंसिपल कौन थे, नाम है द लेट स्वर्गवासी हैं जिनका नेम है ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित, मनी दीक्षित टू हिज मेनी फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स टूक ओवर एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑन दिसंबर 1, 1991, रिटायर हुए थे 26 मंथ्स लेटर ऑन जनवरी 31, 1994 को, 58 ईयर्स वॉज देन द रिटायरमेंट एज, ओके, रिपब्लिक्स एंड मॉस्को दोनों के बारे में बता रहे हैं, Those were times of change, वो समय का, वो बदलाव का समय चल रहा था, ऑन दिसंबर 25, 1991 की बात है, सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिखेल गोरबेशिक रिजाइन उन्होंने दिया, द फ्लैग ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक से वॉज लोअर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो का डाउन हुआ था एट द क्रेमलिन एंड द फॉलोइंग डे यूएसएसआर वॉज फॉर्मली डिजोल्व, और जो यूएसएसआर था फॉर्मली ये डिजोल्व हो गया, ये डिसॉल्व होके क्या हुआ, इट इन इट्स प्लेस 15 रिपब्लिक्स इमर्ज, और यूएसएसआर 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया, इंडिया एक्सेप्टेड द चैलेंज, उस वक्त इंडिया सिर्फ रशिया से डील किया करता था यानी यूएसएसआर से, अब उसने 15 अलग अलग नेशन बन गए, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया एंड सेट अबाउट ओपनिंग न्यू एम्बेसीज, और इंडिया ने फिर नई नई एम्बेसीज ओपन करी टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स विद दीज कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया The South Caucasus and Central Europe while maintaining its traditional ties with Moscow's, यानी कि रशिया के साथ अपनी टाइज को मजबूत रखते हुए बाकी सभी कंट्रीज के साथ भी इंडिया ने रिलेशन स्टैब्लिश करे, ये उस वक्त की बात है। अब आ गया अगला साल जनवरी 1992 आ गया, इंडिया एंड इसराइल स्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, दोनों के पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो चुके थे, अनाउंसिंग द ओपनिंग ऑफ एम्बेसीज, एम्बेसीज का ओपन होना, एक्सचेंजिंग एम्बेसडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ओपनिंग द डोर टू अ रिलेशनशिप दैट हैज ब्लॉसम इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन द लास्ट 3 डिकेड्स, वो सबसे ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप में यही रही। सो पाथ टू न्यूक्लियर डील, अब न्यूक्लियर डील को लेकर क्या रास्ता बना, ऑन जनवरी 31 हुआ 1992 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एट द समिट लेवल, जो कि इंडिया मेंबर था 91 टू 92 में, प्रिसाइडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के द्वारा, जिसको प्रिसाइड किया गया था, ऑन दी साइड लाइन मिस्टर राव हैड अ बायलिटरल मीटिंग, उस वक्त बायलिटरल मीटिंग थी विद यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश के साथ, वेयर द टू लीडर्स इंडिया एंड यूएस दोनों के जो लीडर्स ने डिसाइड किया दैट द चेंजिंग वर्ल्ड, जो बदलता हुआ वर्ल्ड है, इंडिया एंड द यूएस नीडेड टू हैव फ्रैंक एक्सचेंजेस ऑन इशूज, कुछ इशूज पर एकदम सीधे एक्सचेंजेस होने चाहिए दैट हैड डिवाइडेड दैम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर में डिवाइड होने कर चुका है, द इशू आइडेंटिफाइड, जो इशू में क्या क्या थे, जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना, डिसआर्ममेंट होना यानी कि कम से कम हथियार रखना, द फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग मिस्टर दीक्षित विजिट
पहली मीटिंग हुई थी मिस्टर दीक्षित की विजिट जब हुई वॉशिंगटन में 2 months लेटर, ये तब हुआ था पहली मीटिंग, सोइंग द सीड्स ऑफ द डायलॉग, तभी पहला डायलॉग हुआ, पहली मीटिंग हुई दैट कंटिन्यूड थ्रू अप्स एंड डाउन, जिसमें कई सारे अप्स एंड डाउन हुए, लीडिंग टू द पाथ ब्रेकिंग इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2008, और 2008 में ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ। इसीलिए हम दीक्षित अग्रीमेंट की बार बार दीक्षित प्रिंसिपल की बात करते हैं, क्योंकि वहां से चीजें स्टार्ट हुई थी, वही चीजें आज भी जरूरत है, चाहे अभी हम देखें कि इंडिया का स्टैंड क्या होता है यूक्रेन और रशिया के अभी बीच के वॉर को लेकर। सो दिस इज द आर्टिकल दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को होमवर्क में, मुझे बताएं जी सर हम लोग समझ चुके हैं, हमें समझ में आ गया, कैसे करके हमने इसे याद कर मतलब पढ़ना है और आपको ये समझना है, एक बार मुझे सब लोग बोल दो, ठीक है ये मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे होमवर्क में। समझ में आया कैसे कैसे, इजीली आपको समझ में आएगा, रेगुलरली आप इसे पढ़ते जाना। आ जाओ अब इस आर्टिकल को पढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान न्यूट्रैलिटी और तालिबान वरी, क्या है पाकिस्तान की न्यूट्रैलिटी, पाकिस्तान कुछ कह ही नहीं रहा तो पाकिस्तान की न्यूट्रैलिटी है, तालिबान को चिंता हो रखी है तो तालिबान की वरी है। देखो द अफगान तालिबान विल बी अफेक्टेड, या अफेक्ट होगा बाय इमरान खान डिप्लोमेटिक मैनूवर्स इन द यूक्रेन माइनफील्ड में, जो डिप्लोमेटिक अभी बेसिकली रिलेशन बन रहे हैं, पैतरों को बोलते हैं मैनूवर, पढ़ा था ना मैनूवर, पाकिस्तान सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू हैव सीवियर इम्प्लीकेशन, सीवियर इम्प्लीकेशन पढ़ने वाले हैं फॉर इट्स अलाइज इन काबुल, क्योंकि उसके अच्छे दोस्त है ना काबुल में, है ना। रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पर हैज शिफ्टेड द ग्लोबल फोकस, ग्लोबल फोकस वहां शिफ्ट हो गया है फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि पहले अफगानिस्तान पे था तालिबान की वजह से, एज द रिफ्यूजी क्राइसिस इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है गेट्स मोर एक्यूट, वो ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, द अफगान तालिबान विल फेस ह्यूज चैलेंजेस इन सेविंग अफगानिस्तान, अफगान तालिबान को सॉरी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अभी भी अफगानिस्तान को सेव करने में फ्रॉम एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ से, कि कोई इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ ना आए, पैसे की क्राइसिस आ रहा है आ रही है, फाइनेंशियल बैंकरप्टसी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, इससे बचाने के लिए काफी अभी फेस करने पड़ेंगे प्रॉब्लम। ए तालिबान रजीम इन काबुल हैज मल्टी डायमेंशनल एंड नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टाइड टू रिलेशंस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे तरीके से रिलेशन लोगों ने बना रखे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी पॉलिसी इन अफगानिस्तान इज ऑल्सो डिटरमाइंड, वो भी डिटरमाइंड है बाय द रिजिडिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट विच मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इस्लामाबाद टू गिव अप इट्स ऑब्सेशन ऑफ शेपिंग अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर अक्रॉस द ड्यूरन लाइन, कि वो नया पॉलिटिकल ऑर्डर है वो शायद नहीं बना पा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के स्टेप को लेने से, जो स्टेप ले जाएगा अफगानिस्तान पर, अगर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा तो अफगानिस्तान के पास जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिल पाती है, जो बिजनेस हो पा रहा होता है वो हो जाएगा कम, जो कि पाकिस्तान से अकेले मिलता है, तो इससे और दिक्कतें आएंगी, ये करके यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अब आप रेगुलरली पढ़ना आगे का आर्टिकल, दिस इज फॉर यू। अगला आर्टिकल दोस्तों ये है द एलिप्स ऑफ द एक्लिप्स ऑफ सोवरन इक्वालिटी, नया टॉपिक नहीं है वही दिया, देखो यूक्रेन क्राइसिस हैज अगेन उशर इन माइट इज राइट, यूक्रेन क्राइसिस ने फिर से बता दिया भैया माइट यानी पावर जिसके पास है वही सही है वर्ल्ड ऑर्डर में, वेयर ऑल आर इक्वल बट सम मोर इक्वल देन द अदर्स, लेकिन कुछ लोग ज्यादा इक्वल हैं दूसरों से, ये कह रहे हैं पढ़ लेना अब आपको ये रीडिंग में मैं दे रहा हूं। आज दोस्तों 16 मार्च है, आज से जो स्टार्ट हो रही है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं, पहली चीज आपको मैंने ये बताई स्पेशल क्लास आज 10 बजे मॉर्निंग में अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर मिलेंगे, और आप सब लोग मिलना है इस पर, सुबह 10 बजे एक टेस्ट होगा और एक टेस्ट होगा 4 बजे, 4-10 बजे टेस्ट लेना, कुछ चीजें आप उसमें सीखोगे, उसी पर ही बेस में 4 बजे आज टेस्ट लूंगा, और जो 4 बजे टेस्ट होगा दोस्तों उसमें टॉप फाइव जो कैंडिडेट्स आप में से आएंगे उनको दोस्तों हर किसी को ₹500 अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, उससे आप जो चाहो वो खरीद सकते हो अपने स्टडी से रिलेटेड, मैं तो कहूंगा जो जरूरत हो वो जरूरत की चीजें जरूर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों क्या है आपके लिए ऑफर, वो है अनअकैडमी का 20 अनलॉक करने का, मतलब 20% ऑफ है, और 20% ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 14, 15, 16 तीन दिन है, आज 16 तारीख है,
आज ही हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है। AVP10E कोड का इस्तेमाल करना दोस्तों, 20% का ऑफ आपको यहाँ मिलेगा। आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच आपके सामने है। ये 16 मैच दोपहर 12 बजे मेरी प्रोफाइल पर आना, सभी लोग इसे एनरोल कर लेना। जितने भी बैंक के ऑफिसर और क्लरिकल ग्रेड के एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स, मेंस, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू कंप्लीट ये बैच है। दिखा दूं दोस्तों कैसे ये बैच आपके सामने है। आपको ये बैच दिखेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आना, अपना गोल चूज करना, बैंक एग्जाम, मेरा नाम ढूंढना, विशाल परियार, मुझे फॉलो करके प्रोफाइल में आना। जो स्पेशल क्लास दो मैंने बताई 10 बजे 4 बजे, वो स्पेशल के टैब में दिखेंगी। जो बैच मैं बता रहा हूँ, बैंकर बैच 2.0, ये आपके प्लस के कोर्स में दिखेगा। प्लस में आना, कोर्स दिखेगा आपको, उसको देख लेना पूरा का पूरा। आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करना, इस कोड को लगाना। 10% यूजुअली ऑफ मिलता है, लेकिन आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो 20% का ऑफ है, इसका बेनिफिट आप उठाइए, ठीक है? ऐसे करके बाकी आपको दिखा दूं शेड्यूल किस तरीके का है आपके सामने। शेड्यूल के लिए 16 मार्च से हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, आज है 16 मार्च। इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजी आप रोज देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से लेकर पूरी एक्सरसाइज आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, नाउन होगा, प्रनाउन होगा, डाउट होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब होंगे, डाउट होगा, क्लोज टेस्ट होगा, फिलर होगा, प्रीपोजिशन होगा, फिर एक्सरसाइज होगी, टेंस होगा, एक्सरसाइज होगी, वर्ब होगी, एक्सरसाइज होगी, डाउट होगा, मैच होगा, वर्ड रिप्लेसमेंट, स्टार्टर है, स्टार्टर एक्सरसाइज होगी, कंजक्शन होगी, एक्सरसाइज होगी, आर्टिकल हो, एक्सरसाइज होगी, डाउट होगा, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं हम, पैराफिलर होगा, पैराफिलर, इन्फरेंस, 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 डाउट मिसलेनियस, डाउट मिसलेनियस, डाउट मिसलेनियस, 6 सेशन लगाए मैंने डाउट मिसलेनियस की। फिर हम मॉक पेपर कर रहे होंगे, डाउट आ जाएगा। फिर हम डिस्क्रिप्टिव कर रहे होंगे, 6 क्लास डिस्क्रिप्टिव किए, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे, इंटरव्यू करेंगे, एंड आपका 28 जून को होगा। ये आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ये सब कुछ दोस्तों आप सभी लोगों के लिए है। ये आपके सामने ई बुक का गिफ्ट नहीं दिया है। हाँ, तुम कहाँ सो रहे थे क्या? ई कितने कितने लगातार लिखे जा रहे हो मधु कुमारी, एक बार मेरे चैनल पे जाओ, विशाल परिहार, जिसको ई गुप्त का ई बुक का गिफ्ट मिला है, 15 किताबें फ्री मिली हैं, उसको वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किया है, जाकर चेक करो, ठीक है? बुक कुछ अपडेट अपडेट रहते ही नहीं हो, बुक नहीं मिला, ये बोलो मुझे नहीं मिला। अरे किसी एक को मिलेगा ना, सबको थोड़ी ना दे सकता हूं मैं, कैसी बातें करते हो बताओ। आज मैं आप लोगों को 2500 रुपये का गिफ्ट दे रहा हूं, तो टॉप 5 को दूंगा ना मैं, आप उसमें से टॉप 5 में आप नहीं आए अगर, तो क्या आप चारों जगह रो रो के गाओगे क्या कि सर हमें तो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला है? जाओ जिस बच्चे को मिला है उसको देखो, ठीक है? उसका मैंने वीडियो किया हुआ है और मेरे ही चैनल पर, विशाल परिहार पर, कल ही उसका वीडियो डाला है, और उससे शपथ भी दिलवाइए कि आपको किताब मिली है, तो शपथ लो भैया पढ़ोगे और एट द एंड सिलेक्शन लोगे। 1 साल का मैंने समय दिया है। वही दोस्तों मैं आप सबसे कहता हूं, आप जब पढ़ते हो, चाहे आप किताब खरीदते हो, चाहे आप कोई कोर्स खरीदते हो, कुछ भी करते हो, जरूरी है दोस्तों वहां पर अपने आप को इतना मजबूत कर लेना कि यार सिलेक्शन लेना ही लेना है, वरना कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं होगा जो हम 1 साल लगाते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, है ना? तो बिल्कुल सिलेक्शन लो दोस्तों। दोपहर में 12 बजे इस बैच में मिलेंगे, बाकी 10 बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं, शाम के 4 बजे भी स्पेशल क्लास में मिलेंगे, ठीक है? ओके, खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।